अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ फ़िश बिरयानी की रेसिपी। इसको बनाने के लिए 2 से 3 कटी हुई प्याज ले ली है, बिल्कुल बारीक। इसको मैंने काट लिया था और ऑयल को भी गर्म करके रख लिया था मीडियम फ्लेम पे। अब हम प्याज को ऐड करेंगे और फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। डार्क ब्राउन हमें नहीं करना, बस लाइट ब्राउन करना है। अभी हम मिक्स करते हुए फ्राई कर लेंगे। प्याज हमारी फ्राई हो रही है। अभी इस स्टेज पर हम गैस को ऑफ कर देंगे और प्याज को किचन टॉवल पर निकाल लेंगे। यहाँ पर मैंने 2 कप बासमती चावल ले लिए थे, इसको भिगो लेंगे 30 मिनट के लिए। थोड़े से पानी में यहाँ पर मैंने सैफरन और सैफरन कलर डाला है। इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके साइड में कर देते हैं। 500 ग्राम मैंने फ़िश ले ली है, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िश को मैरिनेट करने के लिए थोड़ा सा नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, नींबू का रस, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर और टिक्का मसाला मैंने डाला है। बाइंडिंग के लिए हम तेल डालेंगे 1 टेबल स्पून और इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और मैरिनेट कर लेंगे 30 मिनट्स के लिए। 30 मिनट्स बाद यहाँ पर पैन में मैंने ऑयल गर्म कर लिया था, हम फिश को फ्राई कर लेंगे। फ़िश एक तरफ से फ्राई हो गई तो हम इसको पलट कर दूसरी तरफ भी फ्राई कर लेंगे। फ़िश को हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, दोनों तरफ से बस हल्का सा फ्राई करना है क्योंकि हम इसको दम पे रखेंगे। दोनों तरफ से हल्का सा फ्राई करने के बाद हम इसको साइड पे कर लेंगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हम बनाते हैं बिरयानी मसाला। इसके लिए मैंने 4 टेबल स्पून ऑयल गर्म कर लिया था, इसमें 1 कटी हुई प्याज डालेंगे। प्याज डालने के बाद हमें इसको अच्छे से फ्राई करना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। जब हल्का सा कलर चेंज होने लगे तो हम 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसको भी अच्छे से भून लेंगे जब तक इसकी स्मेल दूर नहीं हो जाती। जब अदरक लहसुन अच्छे से भून जाएगा तो मसाले ऐड करेंगे, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक, इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। मसाले अच्छे से भून गए हैं तो यहाँ पर मैं कटे हुए टमाटर ऐड करूँगी। टमाटर को हमें मसालों के साथ अच्छे से भूनना है जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाते। हम फिश बिरयानी बना रहे हैं तो दही का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इस वजह से जो हमारा मसाला बनेगा वो प्याज और टमाटर से बनेगा। तो हमें प्याज और टमाटर को दोनों को अच्छे से पका लेना है और स्पून की बैक की मदद से मैश करते जाना है। मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है, टमाटर और प्याज मिक्स हो गए हैं तो हम यहाँ पर कुछ मसाले ऐड करेंगे। धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर और क्रश की हुई प्याज डालेंगे जो हमने फ्राई करके रखी थी। कटा हुआ धनिया डालेंगे और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम यहाँ पर पानी ऐड करेंगे और 5 मिनट के लिए मज़ीद पका लेंगे। लास्ट में मैं फ़िश बिरयानी मसाला डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास बिरयानी मसाला नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। तो मसाला तैयार है, हम इसको साइड में करते हैं। चावलों को बॉईल करने के लिए मैंने पानी गर्म कर लिया था, यहाँ पर खड़े मसाले ऐड करूँगी। कटा हुआ धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें डालेंगे। नमक आप हसबे ज़ायका डालें और थोड़ा सा हम तेल डालेंगे क्योंकि हम जो चावल बॉईल करेंगे वो एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं। चावलों को ऐड कर लेंगे और हमें चावलों को 80 से 85% तक पकाना है। मसाला भी हमारा तैयार है और फ़िश भी हमारी फ्राई हो गई है तो बस हमें चावलों को लास्ट में दम देना होता है। बस हम 80 से 85% तक पका लेंगे। जब चावल पक रहे हैं तो आप बीच बीच में इसको चेक करते जाइएगा। अगर ओवर कुक हो जाएंगे तो बिरयानी हमारी अच्छे से नहीं बनेगी। चावल अच्छे से बॉईल हो गए हैं तो मैं इसका पानी निकाल लूँगी। पानी निकालने के बाद हमने जो पतीले में चावलों को बॉईल किया था उसी पतीले में मैंने हाफ बॉईल किए हुए राइस डाल लिए हैं। थोड़ा सा तेल डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि चावल नीचे चिपके नहीं। अभी हम सेकेंड लेयर पर जो मसाला बना के रखा था उसको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। सारे मसाले को हमने अच्छे से स्प्रेड करना है। अब हम फ्राई की हुई फ़िश को रखेंगे और जो बचे हुए चावल है उसको ऐड करेंगे। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बिरयानी बना रहे हैं तो आप 2-3 लेयर लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर कम क्वांटिटी में बना रही हूँ तो बस मैंने चावलों की लेयर लगाई है, मसाला बीच में डाला है। फ्राई की हुई ऑनियन डालेंगे, नींबू का रस,
जो सैफ्रन हमने सोख करके रखा था कलर के साथ उसको ऐड करेंगे। कटे हुए नींबू, टमाटर और हरी मिर्ची डालेंगे, ये ऑप्शनल है। इन सब चीज़ों को डालने के बाद लास्ट में हमने ऑयल डालना है 2 से 3 टेबलस्पून, और हम इसको दम पे रख देंगे। बिरयानी हमारी अच्छे से दम हो गई है, बस इसको 5 से 10 मिनट लगेंगे क्योंकि सारी चीज़ें पकी हुई है, तो इसलिए 10 मिनट में ये बिरयानी तैयार हो जाती है। बहुत ही मज़ेदार बिरयानी हमारी बन के तैयार हो गई है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।